कालिंदी को नैना और केतकी ने मिलकर पूरे घर के सामने एक्सपोज कर दिया है। बेचारी का भांडा फूट चुका है। इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा खेल खत्म। तुम मुझसे चल चलोगी? क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम चल चल सकती? जी हाँ, आपको बता दे कि कालिंदी काफी कोशिश कर रही थी कि वो अपना रूप बदल कर आएंगी और कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा और सबकी नजरों से बचकर वो चोरी करके पैसे लेकर भाग जाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब केतकी और नैना का प्लान है। या फिर ओपन एंड कंटिन्यू। तुम सब जानती थी? हाँ। और जैसे ही कालिंदी भागने वाली होती है, केतकी और नैना आकर उसे सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। यही नहीं बल्कि नैना आकर ये भी बताती है कि उसे कब कालिंदी पर शक हुआ था और कैसे उसने ये सारा प्लान बनाया। और फिर वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। एंड गई। होल्ड 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 होल्ड। तुम्हें क्या लगा तुम नकली दाढ़ी मूछ लगाकर आओगी और हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? चार मुझे पहले ही डाउट हो गया था। तुम नकली बेचारी काली के मंसूबों पर पानी फिर गया और अब वो फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाह कर भी भाग नहीं पाती है क्योंकि यहाँ अब पूरे घर वालों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए अब कोई भी उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं दे रहा है। यही नहीं बल्कि इसके पहले भी जो जो कारनामे कालिंदी ने किए थे वो सब भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, मतलब तुमने बिचारी के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे कालिंदी को उसके गुनाहों की सजा केतकी दिलाती है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।